चाचा, आपको तो पुलिस ने पकड़ लिया था, आप छूटे कैसे? क्या याद दिला दिया बेटा, क्या याद दिला दिया? रात का वक्त तुम्हारे भाई ने लॉकअप तोड़ा, थाने से बाहर पुलिस पीछे धाएं धाएं गोलियां चला रहे थे, तुम्हारा भाई यूं कटिंग मारता हुआ पुलिस को चकमा देके घर पहुंच गया। लेकिन सुल्तान साहब तो कह रहे थे उन्होंने आपकी बेल कराई है। जब तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो? बिना वजह लोगों से झूठ बुलवाते हैं। जनरल नॉलेज के लिए। जनरल नॉलेज तो मैं तुम लोगों को आज देने वाला हूं। तुम लोगों को आज यहां जमा करने का एक मकसद है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मकाम आएंगे जिन्हें तुम्हारा बाप भी अबूर नहीं कर पाएगा। तो हशमत की जिंदगी से कुछ सीखो। हशमत आज जिस मकाम पर है। किस मकाम पे हो चाचा? बताऊं तुम्हें किस मकाम पर? ये 240 गज का मकान गुलिस्ताने जौहर में ना सारी जिंदगी कमाते रहोगे तब भी नहीं बना सकते। अब मर जाओ एहसास से कमतरी से। चाचा मकाम पूछे? बता रहा हूँ वही मकाम। हशमत ने हमेशा अपने अंदर के मर्द की इज्जत की, कभी जनमुरीद नहीं बना। मर्द खानदान की इकाई होता है, ऐसे बांध के रखना पड़ता है सबको। क्या टाइम हो रहा है? मेरे ख्याल में लाइट आ गई। 1 बजे चाचा। ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, तुम लोग भी कटो अपना। ठीक है। एक नंबर का चिरंदी बुड्ढा ही है। हशमत को चिरंदी बोल रहे हो? कब्र में कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे, और तुम बड़ों के सामने बैठ के जमाइयां ले रहे। तुम भी ऐसे नहीं मरोगे, तलब तलब के मरोगे। बस कर रहे हैं मेरे पीछे। मजाक भी नहीं कर सकते यार अब। अरे बेगम फ्रंट फुट पर आकर खेले, बैक फुट पर क्यों खेल रही है खुर्रम मंजू की तरह? फ्रंट फुट पर खेलेगी तो आपकी शॉट में पावर आएगी, पावर। फिरोज ज्यादा ब्रायन लारा ना बनो, जो जाके बॉल कराओ, मुझे पता कैसे खेलना है। यार ब्रायन लारा बोल दिया, माइक हंसी बोल देती तो दिल खुश हो जाता मेरा। फिरोज जी बेगम। क्या समझाने का बोल के गई है ये? Actually, the thing is that कि किरण को पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन कैंप में सेलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए मैं उसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या? अब इस घर की बहू बेटियाँ ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलेंगी और तू बेगरा तुझे प्रैक्टिस करा रहा है? रुक इधर। तेरी वजह से बूढ़ा किसी दिन मर जाएगा। बात कोई भी हो मनुष्य आदमी, तुम्हें मेरा मरना याद रहता है। अरे यार पापा ये उनका हक है। मेरा मरना इसका हक है? हक की बात करते हैं तू? है मेरा पर इल्जाम लगाते हैं दूसरे पर? अरे यार कुछ पता है नहीं, बस बीच में मुसल्लत हो जाते हो तुम। तुमका भी तो बरसों से बेगैरती मुसल्लत है, उसका क्या? मारो इसे। मारो? हाँ हाँ मारो। सच में? अब इसको मारो, छोड़ो। पूरे पुश्तों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। भला बताओ ये दिन आ गए, हुआ क्या है? अरे आप बिना हशु हर बात को अपनी अना का मसला ही बना लेते हैं। ये तुम्हें अना का मसला लग रहा है? अना का मसला लग रहा है? ये गैरत का मसला है, गैरत का। मसला क्या है? मसला चाहे जो कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया है और वो मैं करके रहूंगी। अरे बेगम आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? देखिए आपकी तबीयत खराब हो सकती है, गले में खराश हो सकती है। बाप के दिल पे लकीर आ गई, उसकी परवाह नहीं है, बेगम के गले में खराश ना आ जाए। अरे बिस्मा तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो, देख नहीं रही है मीटिंग हो रही है? तुम भी तो अपना इनपुट डालो। मीटिंग? वो भी इस घर में? इस घर में तो हर चीज डिक्टेट की जाती है। तुम्हारी बीवी मुझे डिक्टेटर कह रही है और तुम बैठ के बेगैरतों की तरह बातें सुन रहे हो। अरे भाई मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, आखिर माजरा क्या है? तुम हमारे बाप लगते हो जो बार बार सवाल दोहरा रहे हो। अरे आप रहने दो सुल्तान, क्यों कीचड़ में पत्थर फेंक रहे हैं? अरे बेटी मुझे कीचड़ कह रही है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई? अरे नहीं नहीं हर्षु उस्मा नहीं। अरे अम्मा अगर कीचड़ से ज्यादा बुरा लफ्ज होता वो इनको कहती मैं। ये देखो तुम्हारी बीवी को दूसरा आदमी इशारे कर रहा है। शेरी! क्या है सुल्तान? मैं पागल खाने में मजीद नहीं बैठ सकती। बिस्मा, बिस्मा। सब कान खोल के सुन ले, मैंने फैसला कर लिया और मेरा फैसला किसी का बाप भी नहीं बदल सकता, समझ जाए। अरे बेगम बैठो इधर, बेगम बेगम कर रहे हैं, वो बाप को तड़ी लगा के गई है और तुम जा रहे हो उसके पीछे। इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? एटीट्यूड दे रहे हैं मुझे, एटीट्यूड। ये जनमुरी जनमुरी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो बैठो इधर, आओ भैया आ जाओ बैठो 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 बैठो। थैंक यू सर। मैंने बहुत सोचने के बाद तुम लोगों को लेकर ये 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। लेकिन क्यों? पहले मुद्दा सुन लो शराफत से, वरना सब कुछ छोड़ के तुम्हें मारूंगा। बकवास कर रहे हैं बीच में। ये जो किरण ने ख्वातीन क्रिकेट टीम में जाने का फैसला किया है ना, ये मुझे हरगिज कबूल नहीं है। ईमान से मैं लाशें बिछा देता, लेकिन मैंने सोचा जमहूरी तरीके से फैसला कर लिया जाए। तुम बताओ रुकैया क्या ख्याल है?
अरे ख्याल कैसा, मैंने तो जब से सुना है ना कि किरण क्रिकेट टीम में जा रही है, भाई सच्ची बात है मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई और मैंने तो पक्का सोच लिया है मैं अब अंग्रेजी सीखूंगी, क्योंकि जब उसके लिए इंटरव्यू करने के लिए लोग आया करेंगे ना तो मैं भी भाई बैठ कर उनके साथ किटेड पिटेड इंग्लिश में बातें किया करूं। चुप ना, किस लोकल औरत हो तुम बताओ सुल्तान? भाई मुझे तो शदीद एतराज है। देखा ये होता है समझदार बच्चा। बोलो बेटा। भाई ये कमेटी तश्कील देकर आपने खवातीन के हुकूक को चैलेंज किया है और मैं तो वीमेन एम्पावरमेंट के हक में हूँ। निकल जा अभी, जा भी निकल जा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तू घर का दामाद है। तो बुलाया क्यों था? मारो मारो। अरे अरे घर का दामाद है क्या हो गया शहरी? तुम भी चली जाओ यहाँ से, सबसे कुंजन मेंबर थी कमेटी की। मैं नालत भेजती हूँ इस कमेटी पर। बिल्कुल सही कह रहा है सुल्तान, सेम टू यू। शोर को एटीट्यूड दिखा रही है, झंडूम की आग में चलेंगे। शहरी बेटा तू बता, एक तू वाहिद है जो मेरे दिल की बात समझता है। बोल बेटा, बोलो बेटा। एक उल्टे हाथ का मुंह में आऊंगा, बाप को इशारे कर रहा है, मुंह से बोलो। अरे भाई उसकी मर्जी है, क्रिकेट टीम में जाए या बाहर में जाए, आप क्यों चैंपियन बन के कूद रहे हो? मैं क्यों चैंपियन बन के कूद रहा हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ और जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा, समझे? पकड़ लिया। अच्छा पकड़ लिया, अब तू सेफ है। सेफ हूँ। अब देख पैर के घसर घूमता रहेगा, स्ट्रीट फाइटर है अश्मा। बहरोज अगर किरण भाभी क्रिकेट टीम में जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बिस्मा, क्रिकेट तुम जैसी नाजुक लड़कियां खेल नहीं है। किरण भाभी को देखो, वो तो रफ एंड टफ है। तुम कोई आसान काम करो। नहीं नहीं नहीं, तुम साजिश करो। अच्छा वाह, तो मैं तुम्हें साजिशी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। कोई ऐसा काम करो जो तुम पे जचे। सुन लो कान खोल कर, मैं तुम्हारी मुलाजमा बनकर अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। मुझे भी प्यारा चाहिए। मैंने सोच लिया, मैं ना मॉडलिंग करूंगी। वाह बिस्मा वाह, ये की ना तुमने बात, मुझे फखर है कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। ये देखो गर्व कर रहे हैं। लानत तेरी जिंदगी में बहरोज, लानत है। टीवी को चढ़ावा दे रहा है। सुन ले, मेरी लाश पर से गुजर के मॉडलिंग करेगी ये, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं अबू, आप बस कूदिएगा प्लीज, आप बस कूदिएगा। नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा बता रहा हूँ मैं। अरे पापा क्या कर रहा है भाई, मैं गिर जाता, देख नहीं रहा ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ मैं? पापा खुद तो भी कूदने की बात कर रहे थे। ये कूदेंगे छत से, कूद ही ना जाए, सबको मार देना तब भी ना मरे। कह दो अपने बाप से, मर जाए बन जाए लाश, मैं गुजर जाऊंगी इनके ऊपर से, लेकिन मॉडलिंग करूंगी। सुन लो बिस्मा, 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 गलत लाश बनने की धमकी दे गई तेरी बीवी, तुम्हारा सुन ले। शरी भाई, शरी भाई, शरी भाई। मार शरी इन बेगरतों को, मार इन जंगलियों ने अपनी बीवियों के साथ मिलकर हमारी गैरत को चैलेंज किया है। मार मार, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, बेबी को मॉडलिंग पसंद है। देख शरी, मुझे मजबूर ना करके मैं कुछ कर गुजरूं। अब पानी सर से ऊंचा होने लगा है। पहले किरण के दिमाग में क्रिकेट समाई, अब बिस्मा के दिमाग में मॉडलिंग का भूत सवार है। इस घर की औरतें बागी हो रही हैं, जो मैंने कहा है वो कर ले। अरे भाई बाप होने का कब से फायदा उठा रहे हो? जाओ, मैं नहीं कर रहा, जो करना कर लो। जो करना है कर लो। अच्छा लग रही है, अच्छा अच्छा, मुझे कबूल है भाई, कबूल है। तुम्हारा निकाह नहीं करा रहे, जो कबूल है कबूल है कर रहे, बस हमारी बात मान लो, ये काफी है। प्यारा बेटा पिट के ही समझ आती है, आई एम प्राउड ऑफ यू। टेबल, हाँ इसका मतलब है रसाई से बाहर नामुमकिन। टेबल रसाई से बाहर नामुमकिन। अरे अम्मा, सिर्फ एक दिन डिक्शनरी पढ़ लेने से आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो सकती। ए लड़की, मुझे डिमोट मत कर। डिमोट मतलब? मेरा ख्याल है डिमोटिवेट कह रही है। हाय हाय, जीता रहे बेटा, जीता रहे। गो टू हेल, गो टू हेल। अम्मा हेल का मतलब तो जहन्नुम होता है। तो फिर जन्नत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेवन कहते हैं, हेवन। गो टू हैविंग, गो टू हैविंग। अच्छा ये बताओ, हालांकि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ तक तो अभी मेरी अंग्रेजी भी नहीं पहुंची, क्या कर रही हैं आप? तुम्हें भी इंग्लिश नहीं आती? चलो कोई बात नहीं, मैं हर्षू से पूछ लेती हूँ। हर्षू, सब कुछ ना कुछ बन रहे हैं, तुम भी कुछ बनो। सुल्तान मेरे साथ ज्यादा मस्खरापन मत करना, वरना मैं तुम्हें कत्ल करके कातिल बन जाऊंगी। अरे सबके सब पागल हैं यहाँ पे। बोल देना अपने बाप को, मैं ज्यादा खर्च करूँ, मेरे रास्ते में ना आए, वरना। अरे बेगम प्लीज, बेगम वरना। अरे प्लीज गाली मत दीजिएगा यार। मैं गाली नहीं दे रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। बेगम बेगम क्या हुआ बेगम? मैं यही हूँ। लाली लाल, लाली बेग। ये क्रिकेट खेलेंगी, लाल बेग से तो डर गई। रहने तो रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो भाई, कल का प्लान पता है ना? शाबाश, वैसे ही करना चाहो आप। हशु, ये हालांकि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आ मैं तुम्हें बता देता, लेकिन अभी मैं मिशन में हूँ, बाद में बताऊंगा।
हालांकि का मतलब तो आता नहीं. ऑल इज वेल. नहीं नहीं मुझ पर गिरी. देखा देखा बाप की बात रद्द करके बीवी को इश्तेहार दे रहा है, उसे मॉडल बना रहा है. अब तो छुपकलियां सांप बिच्छू सब तेरी तरफ आएंगे, बल्कि कब्र में भी अजाब आएगा. बिस्मा अब तुम मॉडलिंग नहीं करोगी? देखो मेरी तरफ अजाब आ रहा है. अरे ये तुम्हें पागल बना रहे हो और तुम बन भी रहे हो बहरोस. बस मैंने कह दिया अब तुम मॉडलिंग नहीं करोगी. सॉरी अब्बू. बस बेटा बस तू राय रास्त पे आ गया, एक बाप को और क्या चाहिए. अच्छी बहरोस ये चीटर है, एक नंबर का झूठ है. बेबी अब्बू चीटर नहीं हो सकते, वो वली है, मैं उनका वली है. तो अरे अरे ये क्या चीज़ है? सांप सांप सांप. देखा डर गए ना, बड़े मर्द बन के घूमते. हंसने की जरूरत नहीं है, डरा वरा मैं नहीं हूँ. सांप नजस होता है इसलिए उतार का इजहार किया. इबादत के कपड़े हैं मेरे. अच्छा मैंने तो कभी नहीं देखा आपको इबादत करते हुए. मैं दिखा के इबादत नहीं करूंगा, मैं नेकी के बिलबोर्ड नहीं लगाता. लेकिन आप तो बदी के ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते हैं. नकली लाल बे को चुकला चेहरे के साथ हमारे कमरे में रखवाते हैं, हमें डीमोरलाइज करवाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज करवाते हैं, तो हम कुछ भी ना कर सके. देखिए अपने नेक और मार सबाब को, जिसका दिल दुखाकर तुम तक अजाब पहुंच जाता. वाह अब्बू वाह, क्या शैतानी खोपड़ी आपकी. इधर आ बेटा इधर आ. जी जी अब्बू आया. बाप को शैतानी खोपड़ी. इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है. लेकिन शहरी की भी हाइट मेरे बराबर है. लेकिन शहरी की नेचर मेरे जैसी है भाई, तुम बताओ क्यों आए थे. अरे पापा मैं आपसे ये कहने वाला, आप जो शहरी से करवा रहे वो इंतहा गैर शायस्ता हरकत है. किरण हद से उकड़ गई है. तू यहाँ पे दरवाजा बजा के बीवी के खराब मूड के दास्तान सुना रहा है बाप को. देखिए उस पर प्रेशर मत डाले, वो बहुत दुखियारी है, खेल लेने देना उसे. नहीं नहीं प्लीज पापा, ये उसका सपना है. अरे नहीं भाई. अरे प्लीज तुम्हें बात समझनी है. बोल रहा बोल रहा बोल रहा मार खाए बगैर बात समझ लिया. मान लो अश्वत भाई तुम मेरे बगैर तो चल ही नहीं सकते. अबे चल अश्वत, तेरे जैसे दो कौड़ी के आदमी का मोहताज नहीं है. वो तो बस तेरे लेवल पे आके काम नहीं करना चाहता, इसलिए तुझे बुलाता है. तो फिर मैं तो चला. घर बुलाकर बेइज्जती करना ना तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है और बहुत बड़ा घटिया पर. अबे अब तो घटिया बोल रहा है, तुझे कैसे घटिया लगता है? कैसे तूने घटिया. अबे चल, उसने एक दफा बोला तुमने तीन दफा रिपीट कर दिया. इस पागल के कंधे पर रखकर तुम मुझसे बदमाशी करके राजी करने के चक्कर में हो ना. लेकिन याद रखो मैं नहीं मानूंगा, इस दफा तो मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा. अरे मुजाहिद बेटा इमोशनल हो गया. मुजाहिद तेरा तो मुजाहिद बनने का वक्त अब आया है, अब तू करेगा ठीक काम. कौन सा ठीक काम? अबे बेवकूफ, खवातीन घर से बाहर निकल रही हैं, उन्हें रोकना एक अच्छा काम है, एक नेक मकसद है. और हाँ अगर फिरोज बीच में आए ना तो उसे भी मार देना, रास्ते से हटा देना. नहीं मैं नहीं करूंगा और ना किसी से करवाऊंगा. बिलावजा खवातीन को घरों के अंदर बंद करवा दूं मैं. नहीं मैं नहीं करूंगा. नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं समझेगा. ले जाओ इसे, ले जाओ उसको, ले जाओ. ऐसी की तैसी. आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मुझे ट्रायल के लिए जाना है तो जाना है. अरे बेगम खुदा के लिए समझने की कोशिश करें. देखिए मैं आपको खोना नहीं चाहता, हालात वैसे बहुत खराब है. आप एक काम करें, आप आज की जाओ कल चले जाइएगा. ट्रायल तुम्हारा बाप नहीं ले रहा, तो कभी भी चली जाओ. कॉल टाइम है, तुम चल रहे हो मेरे साथ या मैं अकेली चली जाऊँ? नहीं 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 अकेली अकेली तो हर किसी कदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो फिर बेगम बात दरअसल ये कि वो पापा ने अगर फिरोज बीच में आए ना तो उसे भी मार देना, रास्ते से हटा देना. फिरोज
लगता है तुम पागल हो गए हो। यकीनन तुम्हारे बाप ने तुम्हें वरगलाया है। अरे वो शख्स तो पता नहीं किस हद तक चला गया है, मैं आपको क्या बताऊं। क्या कहा तुमने? अरे नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ पर प्लीज खुदा के लिए आज मत जाए प्लीज। उठो, देर हो रही है मुझे। आगे आगे आगे, शरीको शरीको। अजमत भाई अब तो बाज आ जाओ, क्यों अपने घर वालों को डस रहे हो? एक कान के नीचे दूंगा ना सारा आवाज निकल जाएगा, तुम्हारा बंदा क्यों नहीं पहुंचा अब तक? अरे वो पहुंच गया उसकी फिक्र मत करो, और मैं पहले ही बता दूं वो इतना खतरनाक और टेढ़ा बंदा है, अगर हड्डी पटली तोड़ दे कोई नुकसान हो जाए ना जानी, मुझे मत बोलना। कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लो। अरे अरे घर से बाहर मत निकलो, शहर की हालत बड़ी खराब है, गोलियां चल रही है, लोगों को मारे जा रहे, चला चला हटो हटो। अरे मैं तो कहता हूँ खुदा के लिए जाने दे क्रिकेट को, आप वापस घर चले, मुझे आपकी जान ज्यादा अजीज है आपकी कीमती क्रिकेट से। शट अप, जाओ जाके टैक्सी लेके आओ। हाँ तो तुम हो? क्या मतलब कौन है आप? ओ मेरा नाम आदित्य है, वो शहर के हालात खराब है बीबी, तेनू पता नहीं है अंदर जाको तेजाब वेजाब फेंक देगा लाशा बिछ जाएंगी। अच्छा भाई इसको तो ले जाओ। अरे भाई होश में, अरे 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 बेगम ये आपने क्या कर दिया, अगर ये मर गया तो उल्टा हमारे गले केस आ जाएगा। अरे भाई होश में यार, तुम टैक्सी लेने जा रहे हो तो मैं भी इसके साथ ले जाता हूं। जी बेगम मैं जा रहा हूं। भाई साहब जाओ। ये बंदा लाया था तू अपने जैसा? हां लो 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 लो। अजमत भाई वो तीन दिन से भूखा था और उसको मोशन भी लगे, वरना बड़ा बहादुर इंसान है वो। तू भूखा नहीं जाएगा यहाँ से, जहाज चल रहे हैं। कम फ्लाई विद अस, दिमाग नहीं खराब करो मेरा, आराम कर रहा हूँ मैं, रेस्ट कर रहा हूँ। ओके ओके रेस्ट इन पीस। जाहिल औरत, रेस्ट इन पीस का मतलब पता है तुम्हें? हाँ अमन से आराम। हटा रही है मेरी, हटा रही है, इस घर में आराम करना भी हराम है, कोई चैन नहीं लेंगे। अरे हशू हशू मैंने ऐसा क्या कह दिया, आराम करने को तो कहा है, बुरा मान जाते हैं। उफ मेरे खुदा क्या हो गया, ये तो मेरी पिक्चर है। ओए तो जानू तुम कितनी क्यूट लग रही हो, बिल्कुल जैकलीन फर्नांडिस जैसी। कितना झूठ बोलते हो तुम, हद हो गई। अरे वैसे तुमने मेरी पिक्चर्स भिजवा दी? इसमें सब हो गया, तुम स्टार बनने की तैयारी करो, हर जगह से फोन आ रहे हैं। ये देखो जी, जी मैं बिस्मा मैडम का मैनेजर बात कर रहा हूँ। फरीना भाई तुझ पे बाप बाप बीमार बैठा हुआ, तू यहाँ बेगम को स्टार बना रहे। तो शरीफ भाई जाइए, आप जाके करें ना अपने बीमार बाप की खिदमत। समझा ले इसको, समझा ले इसको, मेरा मुंह ना लगा करेगी। अरे शरीफ भाई मेरी विस्मा है ना, अब वो बड़ी स्टार बनने वाली है, और वो आप जैसे लोगों को तो है ना मुंह भी नहीं लगेगा, फिक्र ना करें। जंगली क्या मतलब है, मेरे जैसे को मुंह नहीं लगाई, मेरे जैसे को क्या मतलब होता है, मेरे को ऐसा हूँ ऐसा हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही तो तुम लोग ऐसा बोलोगे? अरे भाई मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। ये पागल का नहीं, आपने बिल्कुल सही मिला है, ये सब पागल है। तुम्हारी शक्ल पे बेगैरत कहेंगे, और वहां किसे आवाजें देके बता रहे हो, वो लोग शिफ्ट हो गए। गिर जाएगा, गिर जाएगा पागल। किरण रुको यार, किरण को पाकिस्तान के कब्जे में है। एक से एक जनमुरीद देखा है, लेकिन तू तू सबका सरदार है फिरोज। नहीं पापा, ये सरदार ना सरदार है, बाप से बराबरी कर रहा है, बाप से बराबरी। कोई नया तरीका है क्या?
अरे हशमत मैं हूँ, मैं मुझे पहचानो अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। अरे भाई मेरी बेटी ने मेरा और तुम्हारा नाम रोशन कर दिया है, टीम में सिलेक्ट हो गई है। अरे बजाओ बजाओ बजाओ, बंद करो ये गाना बजा। तुम्हारे बाप की शादी है, तुम नाच रहे हो। तुम जैसा बेगैरत बाप मैंने नहीं देखा। तुम्हारी बेटी का नाम करके टीम में आ गया और तुम यहाँ खड़े हुए गली में नाच रहे हो। तुमने मोहम्मद अली को लोगों देखा है, कितना बड़ा बॉक्सर था। उसकी बेटी लैला अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए जबरदस्त मुकाबले लड़ रही है। पहली बात तो ये कि रंग काला होने से तुम मोहम्मद अली नहीं होगा। दूसरी बात ये कि तुम्हें बॉक्सिंग आती है नहीं, तो बात खत्म हो गई। अरे भाई मिसाल दे रहा था यार। इररिलेवेंट मिसाल, बिल्कुल गलत मिसाल दे रहा है आदमी। बस अकमत बस। क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों समाज के आगे दीवार बन रहे हो? खेलने दो बच्ची को क्रिकेट, और हमारा भी गलत इस्तेमाल करना बंद करो। चल मुल्तान ने पता है बच्ची के साथ क्या हुआ? फास्ट बॉलर बनना चाहती थी वो, उस गरीब के साथ इतना इस्तेमाल किया, उस बच्ची ने खुदकुशी कर ली। अरे कहाँ नहीं हो रहा इन लोगों पे जुल्म? बस में, ट्रेन में, स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, शहर में। अगर बंद ही करना है तो उन लोगों को बंद करो जो इन लड़कियों के साथ गलत करते हैं। तुम जैसे घटिया सोच रखने वाले इन लोगों को सिर्फ बदनाम कर सकते हैं। हमारे माँ बाप अपनी बच्चियों को फकर से निकालते हैं, क्योंकि हमारी कौम की बच्चियाँ ऐसी नहीं। तुम जैसे लोगों की घटिया सोच लोगों की सोच बदलती है। गंदी सोच रखने वाला घटिया आत्मा। तालियां बजा रहे हैं यहाँ पर, आपको घटिया बोल रहे हैं और तुम लोग खुश हो रहे हो यहाँ पे खड़े होकर। नाम क्या तुम्हारा? मुजाहिद। आज से तुम्हारा नाम मुजाहिद नहीं, मुजाहिद शहीद है। मारो इसे, मारो। डन 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 डन, तबड़क तबड़क। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहे हो? आज ये कौम भी तुर्की की कौम की तरह जाग उठी है। जाग उठा है सारा वतन। एक मिनट रुकैया बुला रही है, मैं आता हूँ। रुकैया, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या बनाती? ए बिस्मा, देख तुझे जो करना है कर, लेकिन एक दफा अपने बाप से जरूर पूछ ले। अम्मा पहली बात तो ये, मेरे बाप नहीं है, और दूसरी बात कि उनसे बात की नहीं जा सकती, सिर्फ सुनी जा सकती है। वाह बिस्मा वाह, क्या बात की है तुमने, अशफाक अहमद के लेवल की। अपना लेवल देख, अपना लेवल देख। क्या कर रहा है ये? अपनी माँ के पैर दबा रहा है या सासू माँ के पैर दबा रहा है? अब्बू बिस्मा की माँ के। लानत तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी बीवी बैठी है मुझे यहाँ पे गायबाना जलील कर रही है और तुम उसकी मदा सराई कर रहे हो। अरे ये गायबाना नमाज जनाजा तो मैंने सुना था अशु, ये गायबाना जलील होना तो भाई पहली बार सुन रही हूँ मैं। जाहिल खानदान से हो ना, उर्दू भी नहीं आती तुम्हें। खुद तो बहुत पढ़े लिखे, सारी तमीज दिखाई दे रही है। ये देखो, ये देखो कैसी जबान चल रही है। हटे साइड पे। अरे बहुत ही बदतमीज है कोई ये तो। अब्बू आप बिस्मा के रास्ते में आया करें। एक थप्पड़ मारूंगा ना मुंह पे, बिस्मा के रास्ते में नहीं आया करें। निकल यहाँ से। बाप को अकेला छोड़ दिया है, सुबह सारी औलाद चली। क्या इस दिन के लिए बाप अपनी औलाद को पालता है? बंद करो ये बागबान। सॉरी टू से, तुम वैसे बाप नहीं हो बिल्कुल। अमिताभ भी नहीं था, एक्टिंग कर रहा था वो। एक्सक्यूज मी, इजी कम इजी गो। चल, पता नहीं कहां की बात कहां बोल ली है, हटा रही है मेरी मिलावट। एक दिन मैं भी इंग्लिश सीख के ही दिखाऊंगी बड़े आए अंग्रेज की औलाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। देखो देखो, सारी जिंदगी तवज्जो नहीं मिली तो ऐसे लोगों को बिठा के तवज्जो मांग रहे हैं, बेकार ही कहीं के। अरे सुल्तान आप इनको इग्नोर करें, शुरू करें आप। सुल्तान शुरू करके तो दिखाए, अगर मैं शुरू हुआ तो सबकी पलपट्टी खोल दूंगा। अरे पहले सुन तो लो कि शुरू क्या हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन के मारे कमकल शख्स। तो मुद्दा कुछ यूँ है कि इस घर में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त का माहौल, मर्द किया जा रहा दारी और फिनोरन। अबे भाई ये क्या लिख दिया, इतनी तुम्हारी राइटिंग बड़ी गंदी है भाई। फिरौनियत लिखा है जाहिल इंसान। फिरौनियत को देखते हुए मेरी मिसेज उज़्मा सुल्तान ने एक एनजीओ बनाई है जो खवातीन के राइट्स का तहफ्फुज़ करेगी। तुम लोग किस बात की तालियां बजा रहे हो? कौन से राइट का तहफ्फुज़ भाई? इस घर की खवातीन को रोटी, बिजली, पानी, गैस, छत सब मैसर है। लेकिन सांस लेने की आजादी नहीं है, ख्वाब देखने की आजादी नहीं है, अंग्रेजी बोलने की आजादी नहीं है। अच्छा आजादी चाहिए तुम लोगों को, अभी देता हूँ आजादी, दे दो लोगों को तलाक। नहीं बोले बिस्मा को नहीं, बिस्मा को नहीं। आप इन लोगों को तलाक देने पे फोर्स कर रहे हैं, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बीवी है जो शौहर पे तशद्दुद। ये देखो सबके सामने अपने शौहर को मार रही है, ये ठीक है? हाँ तो ये इनका पर्सनल मैटर है। बाबा डबल स्टैंडर्ड तो देखो, डबल स्टैंडर्ड। बाहर में गई तुम्हारी एनजीओ। बिस्मा फौरन पुलिस को फोन करो, ये शहरी हमें धमकी दे रहा है। हाँ अभी करती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे सॉरी 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 सॉरी। ऐसे कैसे सॉरी सॉरी, मैं देखता हूँ। अच्छा बड़े मियाँ, करूँ करूँ पुलिस को फोन? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि बातचीत से मामला हल करने चाहिए, मैं तो डायलॉग पे यकीन रखता हूँ, वायलेंस तो मुझे पसंद ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो आंखें खुल गई हैं तुम लोगों की। इन औरतों ने हमें बना दिया भाई। अरे नहीं शरी, बात तेरी ही, बात दरअसल ये है कि वो। अबे चल, तू क्या हमें बताएगा, मसला मर्दों का है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे पापा मैं भी तो मर्द हूँ। अबे
बीवी से मार खाता है, खुद को मर्द कर रहा है। अब्बा, लेकिन इसमें विस्मा क्या कसूर है? औरत जात हम मर्दों के खिलाफ एक हो गई है, इसलिए आपको सेंसिबल करना पड़ेगा। कौन करेगा? हमारा बाप करेगा, और कौन करेगा? ठीक से हाथ दबाओ। क्या कर रहा है? हाथ उखाड़ेगा क्या? अरे भाई कहाँ मुंह उठा के चले जा रहे हो? बेटी का घर है तो कहीं भी घुस जाओगे। कोई सलाम दुआ कोई तरीका नहीं है तुम्हें। भाई तुमसे सलाम दुआ करके मुझे मिलेगा क्या? वही डांट डपट मूड खराब कर दो मेरा तुम। अच्छा, तो यहाँ तुम्हारा मूड बनाने के लिए बैठा हूँ, नाच के दिखाऊं? बिल्कुल, बताया करिए इसका तो। तुम्हारा करेक्टर पता चल रहा है, वहाँ अमेरिका में भी नाइट क्लब जाते होगे। हंस रहे। ये बताओ तुम अमेरिका से कब आए और आए किस लिए? भाई अमेरिका से आए 3 दिन पहले, और जब हमें पता चला कि हमारी बेटी का नाम पाकिस्तानी टीम में शामिल हो गया है, बहुत दिल खुश हुआ, उड़ते हुए चले आ गए। देखा था हमने तुम्हारा उस दिन छिछोरपन सारा। छिछोरपन नहीं था, वो हमारी अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार था। बस देखी तुम्हारी मोहब्बत। इतने बेवकूफ आदमी हो तुम, अमेरिका से पाकिस्तान आ गए 1.5 लाख रुपए खर्च करके इतनी सी बात के लिए? अरे 1.5 लाख तो क्या है, उसके लिए तो मैं 3 लाख रुपए खर्च कर दूंगा। 3 लाख रुपए शो ऑफ कर रहे हैं? डकैती पड़वाऊंगा तुम्हारे घर में, फिर पता चलेगा। डकैती मेरे घर में? मेरे घर में डकैती? पापा मुझे टेंशन अपनी नहीं, हसबैंड अंकल मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे टेंशन है फिरोज की, वो उनको मारेंगे। ओहो, तो हमें इससे क्या है? मारने दे, उसकी अपनी औलाद है हमारी बला से, और मैं तो कहता हूँ कि जान से मार दे। पापा मजाक कर रहा था, मजाक। और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, तुम इंशाल्लाह जीत कर वापस आओगे। पापा सो नाइस ऑफ यू। ये क्या डायरेक्ट कमरे में कोरियम? भाई पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है। हैं? ये क्या फेंक गया चलावा? बात बदमाशी की नहीं, बात बराबरी की है। मर्दों को हरा दो, फिर जो करना है कर लो। वुमेन्स वर्सेस बॉयज क्रिकेट मैच, बॉयज वर्सेस वुमेन क्रिकेट मैच चैलेंज। चैलेंज? ओहो, ये क्या है भाई? हमें ये चैलेंज कबूल है? अगर बेइज्जत होने का शौक है तो रख लो। मैसेज मनजानिब ख्वातीन मुझे चैलेंज कर रही है, मुझे बताता हूँ इनको। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का मैच ख्वातीन और मर्दों के दरमियान है। ये मैच नहीं है बल्कि मर्दों की आना और ख्वातीन के हुकूक की खौफनाक जंग है। और हैरत की बात यह है कि हमारे हशमत साहब ये पिच का मुआयना कर रहे हैं, और पिच जो है वो टाइल्स की बनी हुई है। लानत तुम्हारी शक्ल पे। हाँ भाई, लड़की लोग का कैप्टन कौन है? मैं हूँ। सामने आओ, टॉस करना है। ये लीजिए, टॉस होने वाली है, देखते हैं टॉस कौन जीतता है। लड़कियों की टीम टॉस जीत गई। हम पहले बैटिंग करेंगे। बेवकूफ है, इसने पिच रीड ही नहीं करी। अगर हम टॉस जीत भी जाते ना तो पहले बॉलिंग करते। नासीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ख्वातीन की टीम जो है वो टॉस जीत चुकी है, और ये मर्दों की आना की पहली शिकस्त हो गई है। अलाउद्दीन न्यूट्रल होकर कमेंट्री करो वरना निकाल दूंगा। ऐसे कैसे निकाल देंगे? अरे यार क्यों लड़ रहे हो, तो मैच शुरू करना यार। भाई सब लोग फ्रेम में रहना, पहले बता रहा हूँ, चील कबो की वीडियो बनाने नहीं आया मैं। बात सुनो, अगर किसी की भी उल्टी सीधी वीडियो बनी ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। आपने तो बोला वीडियो बनाने का। हमने बोला है, लेकिन काम तुम्हारा है, जिम्मेदारी से करना है तुम्हें। अबे यार छोड़ यार, मैच शुरू करो यार। अपनी अपनी पोजीशन लो। दोनों टीमों के दरमियान फायर स्टेशन हो रहा है। ख्वातीन एक तरफ बल्ला संभाल करी है, और मरहजरात ये क्या कर रहे हैं जनाब? अभी ये कुछ अब कर रहे हैं, ये वो यहां का कुछ है जो आपने देखा होगा मैच में। और हसमत हजरात खड़े हो चुके हैं, अब देखिए जनाब अभी क्या होता है। अरे बाबा, ये तो मैच के बाद कर रहा था। लेकिन बेटा, अगर खुदा ना खास्ता मैच हार जाते तो ये आइटम रहता। चलो भाई सलूट करेंगे अब। हशू, ये क्या कर रहा? हम अपने दोस्त को सिग्नल दे रहे हैं, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो। चलो भाई अपने अपने मार्क पे गाइस, जल्दी 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 तुम क्यों भाग रहे हो? वो शॉट ले रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, शॉट ले रहा हूँ। तुम कौन सी टोपी पहन के खड़े हुए हो? ऑस्ट्रेलियन की टीम ने भी तो पाकिस्तानी टोपी पहनी थी। लगाऊंगा एक चप्पल, कमर्शियल की शूट हो रही है यहाँ पर। और नाज़रीन ये एम्पायर तरफ कोई भी नहीं देख रहा है, जबकि एम्पायर साहब ये उन बॉल का शादी देख रहे हैं। भाई क्यों सेक्शन से बोल कर आई है? ये इलीगल है। ओ भाई बात सुनो, कंप्लेन करो, अगले मैच में पाबंदी लगेगी, कुछ नहीं होता इससे। हशू प्लीज प्लीज, एक चांस। कोई चांस वास नहीं है, चलो कोई चांस नहीं है, चलो। पहले
पहले ओवर के यहाँ पर स्कोर हुआ है 4 रन और बिस्मा बैटिंग के लिए खड़ी है और बॉलिंग कौन कराएगा देखे बेरोजित कर रहे हैं। अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा भाई जाओ जाओ तुम करा लो बॉल जाओ। ठीक है भाई तुम कीजिए। दिल में ये कहाँ है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं। क्या कर रहे हो बॉल कराओ बॉल बजा के चुटकी धूल चटा दे। नो बॉल फ्री। किस बात की नो बॉल है किस बात की नो बॉल है भाई इसने हाथ ही नहीं घुमाया। जान बूझ से कर रहे हो बिस्मा बैटिंग कर रही है ना। दो दफा लाला। कौन सी बॉलें कर रहा है चौके छक्के उसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। 2 ओवर के सितम पर स्कोर हुआ है 36 रन। जान की ये बुरी बॉलिंग करा रहा है इतना स्कोर गवा दिया। अरे बाबा क्रिकेट बाई चांस यार चल मेरी अना पे चांस ले रही है। और ये देखिए बिस्मा शायद इंजर्ड हो गई है और ये देखो इनकी सन मुरीदियां नहीं खत्म हो रही। मेरे पांव में शायद मोच आ गई है। अरे जालिमो कोई फर्स्ट एड बॉक्स तो लाओ। किरण अब मैं आगे और नहीं खेल सकती। बिस्मा वापस अपने साथियों की में आ रही है। जनाब बैटिंग इस वक्त संभाली है मुश्किल वक्त में बैटिंग संभाली है किरण ने जो एशिया के टॉप की खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड और एशिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब चौके और छक्के की लाइन लग जाएगी और बद हजरात क्या हो गया अपनी बेटी है तो इतनी तारीफें कर रहे हो टंडोलकर आ गया क्या बात कर रहे हो। चलो भाई तुम बॉल कराओ जाओ। होश में रह के फील्डिंग करना बाप की इज्जत का सवाल है। चलो भाई कम ऑन गाइस कम ऑन शाबाश शाबाश मुशी शाबाश। नाज़रीन 5 ओवर हो चुके हैं और 5वें ओवर के सितम पर स्कोर हुआ है 62। अब बॉलिंग कराएंगे शहरी और शहरी को फेस करेंगी उज़्मा। तुम्हें पता है इन दोनों का पहले भी मैच चला है। हश्मत अंकल क्या हो गया मजाक कर रहा था तुम तो वैसे भी न्यूट्रल एम्पायर हो। हश्मत अंकल अब तुमने आवाज निकाली तो मैं घर से निकाल दूंगा। चलो भाई बॉल कराओ। अब देखते हैं ये मैच बचा पाते या नहीं। अलाउद्दीन तुम इस फिक्र में मर मत जाना हम बचा लेंगे। शाबाश फिरोज बेटा लगे रहो आ जाओ भाई आ जाओ। जब उनकी बारी आएगी सारी दुनिया हिल जाएगी। अरे पापा वी कैन डू इट यार चिल। बिस्मा ने ये बॉल की और आउट आउट हो गया। मना कर रहा था रिवर्स स्वीप खोलो समझ में नहीं आउट हो चुके हैं। उठो यार दबा दबा उसको लेके जाओ इसको उठा के लेके जाओ यार। उज़्मा ने ये बॉल की और यश में अरे पापा टेस्ट मैच खेलने क्या। अरे भाई आखिरी ओवर में मारूंगा इसको ऑल आउट वाली स्ट्रेटजी है मेरी। अरे मारे यार मैच खत्म हो जाएगा यार। अबे चल चुप करके बैठा रहे। उज़्मा ने बॉल की और यश में सामने रोकने की कोशिश। अरे यार ये छक्के वाली बॉल थी। अबे तुम खेल लो आके छक्के वाली बॉल थी। ये किराना है किराना ही बॉल की करूंगा बल्ला अरे क्या खाक खेल रहे हैं टेस्ट मैच बना दिया। अरे ये नाज़रीन मर्द हजरात जीत के बहुत करीब हैं। एक बॉल पर 4 रन दरकार है। किरण के हाथ में बॉल है और शेरी के हाथ में बैट और हशमत साहब जो हैं पवेलियन बैठे हैं बेयारो मददगार। तुम्हारा पाप होगा बेयारो मददगार और तुम घुस जाओ कैमरा लेके मुंह के अंदर पीछे हट के खड़े हो। सनसनीखेज मैच है आज जीतना बहुत जरूरी है वरना इस हार का बोझ कितना भारी है ये दुनिया शायद अभी समझ नहीं पाएगी। ये बाउंसर मारेगी इसने बॉल को ऊपर से ग्रिप किया ये तो बॉल को जकड़ रही है ये आउट स्विंग करेगी बाउंसर आउट स्विंग ए मेरे खुदा ये तो तेज यॉर्कर करेगी। शेरी मेरी तरफ देख शेरी लुक एट मी शेरी 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 यार
हसमत मेरी बेटी हसमत तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी फाइनल कैसे हो गया। फोन आ रहा है। हेलो कय्यूम साहब। जी मेरी बहू है किरण। हाँ मैं ही सिखाता था इसको फास्ट बॉलिंग। मैं तो औरतों की आजादी का शुरू से कायल हूँ। खानदान का नाम रोशन कर रही है बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया?